सीटर हर कोई चाहता है कि भाई बड़ी फैमिली। अब जैसे 5 सीटर में ऐसा होता ना कि आप तो आ जाओगे जी, लेकिन कोई रिश्तेदार है मेहमान आए तो उसको कहाँ बैठा लोगे, तो उसके लिए गाड़ी तो फाइनेंस भी इजीली हो जाएगी, फाइनेंस नया इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा, 5 साल के लिए फाइनेंस करेंगे हम। चलती बहुत अच्छी हाइट होने के कारण जी, चलती भी बहुत रिफाइन। भैया एक बार चालू करो ना, इसका इंजन का साउंड बहुत प्यारा है, मतलब खट्टे से चालू होता है अगर आप लोग देखेंगे तो। ये और दिखाने वाले हैं आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू इको 2020 का मॉडल है, बहुत ही ज्यादा लेस ड्रिवन है यार। और अगर कोई भाई न्यू इको लेना चाह रहा था तो वो बिल्कुल रुक जाइए, क्योंकि न्यू इको में आपको मिलेगी 3 से 4 महीने की वेटिंग, प्लस उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये गाड़ी आप लोग को काफी कम प्राइस में आज मिलने वाली है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिएगा। बाकी इसकी फोटो वगैरह चाहिए तो डिस्क्रिप्शन आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां जाके ज्वाइन हो जाइएगा, जो भी गाड़ी आती है उसकी फोटो अपन वहां पे पहले ही डाल देते हैं। बाकी मुझसे कोई बात करना है डिस्क्रिप्शन आपको मेरा इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी गाड़ी की अगर आपको डिमांड है तो बिल्कुल मुझे बता सकते हैं, आपको भाई बिल्कुल पूरी करने की पूरी कोशिश करेगा। बाकी यहां का एड्रेस आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बाकी मैं आपको बता देता हूं, छोटा एंड फाटक केसी कार बाजार जबलपुर मध्य प्रदेश। बाकी ज्यादा नहीं आएंगे, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो नितिन भैया बहुत दिन हो गए अपन कारी कार का सेगमेंट दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत से भाई लोग कमेंट करते हैं कि वैन इको जैसी गाड़ी दिखाइए। पहले तो हाय जी, इको आ गई इको, और अब ले लीजिए, फिर ये दोबारा बहुत मुश्किल में आती है। इको ये कब का मॉडल है भैया? 2020 का है। अच्छा 2020 की इको दोस्तों फाइनली आपको अब मिल जाएगी केसी कार बाजार में। 7 सीटर वाला मॉडल है ये, और यार ब्रांड न्यू कंडीशन में है। थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू दिखाऊं तो टायर वगैरह आप लोग एक बार देख लीजिए, बिल्कुल नए जैसे हैं यार। भैया चली कितनी होगी ये? 18,000 चली, सिर्फ 18,000 पूरी ओरिजिनल पेंट में गाड़ी, पूरी ओरिजिनल पेंट में। और जो व्यापारी भाई लोग अपनी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी बेसिकली जी बताइए ना, फर्स्ट ओनर है, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी है। अच्छा, लेकिन इसका इंश्योरेंस मारुति कंपनी से है, तो जैसे कोई फाइनेंस कराना चाहता तो ये टॉप अप हो जाएगा। अच्छा, वो बढ़ जाएगा, थोड़े बहुत पैसे लगेगा वो टॉप अप हो जाएगा, तो फाइनेंस भी इजीली हो जाएगी, फाइनेंस नया इंश्योरेंस नहीं करवाना पड़ेगा। 5 साल के लिए फाइनेंस करेंगे हम, 5 साल के लिए फाइनेंस। हाँ, तो जैसे नई गाड़ी होती है, और राजस्थान का अगर कोई पार्टी लेगी जी, ये 5 साल के लिए फाइनेंस होगा। तो यार आप लोग के लिए खुशखबरी, तो मैंने उस दिन बताया था कि राजस्थान वाले भाई लोग को भी फाइनेंस हो जाएगा, क्योंकि अपनी बहुत सारे लोग वहां से वीडियो देखते हैं और कमेंट करते हैं इको वगैरह के लिए। कल ही जो आपने वीडियो बनाए थे ना भैया, उसी में कोई जोधपुर से कमेंट करता कि भैया जोधपुर से हूं, मुझे इको लेना है। तो भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए इको आ गई है। और भैया बेसिकली ये नए वाली जो गाड़ी आती है ये तो महंगी आती है, ये एयरबैग वाली है। अच्छा, सेफ्टी रिवर्स सेंसर वाली है जी, 7 सीटर है जी, और बहुत आप अंदर बाहर पूरा देखो, बहुत अच्छी कंडीशन में, अच्छी बोल रहा मतलब है अच्छी आपके यहाँ तो, अगर वीडियो बन रही तो मतलब अच्छी है। तो आप लोग को एक बार दिखाते हैं थोड़ा सा अंदर से बाहर से, आप लोग ओवरव्यू देख लीजिए। भैया इसमें तो इंजन वगैरह कहाँ रहता है इसका? पीछे रहता है, इसका इंजन पीछे रहता है ना, तो बोनट खोल के दिखाने की कोई जरूरत है नहीं आप लोग को। आज टायर देख लीजिए, बहुत साफ है जी, साइड से वगैरह देख लीजिए। और यार ये वो वाली गाड़ी है, ये घंटों वाला काम है, जैसे अर्टिगा बिकती ना वैसे इको बिकती है। हाँ, अर्टिगा इको देखो बड़ी फैमिली है आप लोग की। हाँ, बहुत से लोग फैमिली के लिए भी इसे खरीदते हैं भैया, मैंने देखा गाड़ी है जी, जी। हर कोई चाहता है कि भाई बड़ी फैमिली। अब जैसे 5 सीटर में ऐसा होता ना कि आप तो आ जाओगे जी, लेकिन कोई रिश्तेदार है मेहमान आए तो उसको कहाँ बैठा लोगे, तो उसके लिए गाड़ी 7 सीटर के साथ साथ ये सस्ती भी पड़ती है। हाँ, और बेसिकली फाइनेंस आप बता रहे हो लंबे समय के लिए हो जाती है, 5 साल के लिए हो जाएगी। हाँ, ना कोई मेंटेनेंस है, बाद में कभी बेचोगे रात में बेचोगे तो बिक जाएगी। हाँ, मारुति का प्रोडक्ट मेंटेनेंस फ्री है, मेंटेनेंस फ्री है। तो एक बार आप लोग को अंदर लेके चलते हैं भैया, आप आइए ना यहाँ से, इसमें तो स्पेस की कोई कमी है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी ये स्लाइडिंग वाले डोर्स आप लोग को यहाँ मिल जाएंगे, अभी लॉक है अंदर से, यहाँ से देखिए। सीट कवर भी बहुत अच्छे वाले लगे, ये तो ओरिजिनल कंपनी का सिस्टम लगा है जी, सोनी का आप लोग को इसमें सिस्टम मिल जाएगा। और बताता हूँ जी, मेन चीज मुझे तो देख के अच्छी लगी, इसमें मिलेगा आप लोग को 18,034 किलोमीटर चली, 18,034 किलोमीटर चली हुई है। सोनी का म्यूजिक प्लेयर मिल जाएगा, हीटर मिल जाएगा, ब्लोअर मिल जाएगा, साथ ही साथ सेफ्टी के लिए एयर बैग मिल जाएगा, जो आपको मारुति में मिलकर देख के खुशी हो रही होगी। बहुत जरूरी है भैया, चलती बहुत अच्छी हाइट होने के कारण जी, चलती भी है बहुत रिफाइन। भैया एक बार चालू करो ना, इसका इंजन का साउंड बहुत प्यारा है, मतलब खट्टे से चालू होता है अगर आप लोग देखेंगे तो। ये फैन भी लगा, बहुत तेज, बहुत मतलब जो स्मूथ इंजन मिलता है आप लोग को इसमें मिल जाएगा। और स्पेस आप लोग एक बार देख लीजिए, कितने ही आराम से भैया बैठे हो। भैया इसे खोलिए ना अगर वहाँ से, एक बार मैं आप लोग को स्लाइडिंग डोर्स दिखाता हूँ, जिसके लिए ये इको इतनी ज़्यादा फेमस है। ये अब आप लोग देखिए स्पेस,
कहीं भी जाना है, पिकनिक मनाने जाना है, इसी में चले जाओ, इसी के अंदर बैठ के पिकनिक मनाओ। आपकी बहुत बड़ी फैमिली है तो आप लोग इजिली इसमें 7 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ पीछे से एक बार मैं अंदर जाके दिखाता हूँ आप लोग को कि क्या स्पेस मिलती है। ये कोने में बैठे हैं यार देखो, और ये सीट ऐसा नहीं है, स्लाइड हो जाती है हल्की सी, थोड़ा सा आगे हो जाएगी, लेकिन देख लीजिए पीछे लास्ट रो में भी आपको स्पेस मिल रहा है। स्पीकर वगैरह भी लगे हैं भैया इसमें, स्पीकर पीछे भी लगे हैं। बाकी जो सेंटर की सीट है उसमें तो यार पर्याप्त स्पेस है, सेंटर की सीट के लिए कोई भी स्पेस की आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। कुछ बजा के दिखाएंगे भैया इसमें, क्योंकि बहुत से भाई लोग बोलते हैं यार आप म्यूजिक प्लेयर को बताते नहीं है कैसा बजता है। अभी पीछे वाले नहीं चल रहे, सामने वाले चल रहे, सिर्फ सामने वाले चल रहे हैं ना, सेट करना पड़ेगा जी। पीछे बड़े स्पीकर लगे अच्छा बजेगा जी जी जी। भैया बंद कर दो, कॉपीराइट आ जाएगा नहीं तो इसमें। तो भैया ये फाइनेंस हो जाएगी, आपने बताया है 5 साल के लिए फाइनेंस, फाइनेंस हो जाएगी 18,000 चली है सिर्फ। इंश्योरेंस आप बता रहे हैं कि टॉप अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नया इंश्योरेंस आपको नहीं करवाना पड़ेगा। इसमें कुछ पैसा देके टॉप अप हो जाएगा, मतलब 1/4 पैसे में टॉप अप हो जाएगा, 1/4 पैसे में टॉप अप हो जाएगा। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम रहता है वो ऑलरेडी पेड है। अच्छा ऑलरेडी पेड है ना वो, चलो ये तो बढ़िया है भैया। अपना एक बार पन्नी लगी जी, हाँ भैया पन्नी तक नहीं निकली अभी गाड़ी की, अभी गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में यार। आप लोग की डिमांड वीडियो लेके आता हूं, हम नंबर की गाड़ी बेच रहे हैं तो मतलब अच्छी कंडीशन में होगी तभी गाड़ी होगी हमारे यहाँ, नहीं तो हम बाहर नंबर की जल्दी गाड़ी या तो MP20 बस। तो भाई लोग पन्नी तक लगी हुई है और आपका भाई इतनी अच्छी अच्छी गाड़ी आप लोग के लिए लेके आता है, तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी गाड़ी और देखोगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी भैया रेट तो बता दो इसका, रेट अभी बताएंगे ना भैया, जल्दी भग रहे नहीं, भग नहीं रहे अभी, हम थोड़ा सब्सक्राइब करवा रहे हैं, भाई लोग सब्सक्राइब थोड़ा ना करें क्योंकि रोज इनके लिए वीडियो में लेके आता हूँ। बाकी इसका जी 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 ढूंढना पड़ता है भैया, गाड़ी अच्छी ढूंढने में तो मेन कहानी है। बाकी भैया इसका क्या प्राइस होने वाला, पहले तो नए का प्राइस बताओ भैया। इसका नया का प्राइस होगा 5,60,000 के आसपास, 5,60,000 के आसपास। तो गाड़ी मिलती नहीं है अभी जी, अभी ऑनलाइन मतलब कंपनी में भी नहीं मिलती, ये 2-3 महीना वेटिंग होगी जी जी, मिलती नहीं है गाड़ी। ये अभी गाड़ी अपने पास 4.25 लाख में आई है, 4.25 लाख में बहुत कम भी होएगा जी जी जी, बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा बहुत कम होएगा जी। और ये बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है, आप लेके जाओ, 5 साल के लिए फाइनेंस हम करा देंगे, बिल्कुल 5 साल के लिए फाइनेंस करा दूंगा। तो 4,25,000 में आपको वीडियो देखने मिलेगी, और 4,25,000 थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा। आप आते हैं तो बताइए करिए कि आप मेरी वीडियो देख के आए हैं, तो जो भी भैया से हो पाएगा, क्योंकि यार पार्टी डिमांड करती है अपना बीच का ये कि अपन उसको थोड़ा कम करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत कम होगा, बहुत ज्यादा अंतर वाली है, बहुत ज्यादा मार्जिन वाली गाड़ी बताते भी नहीं जी जी जी, ये बात भी सही है। और ये जो आपके अभी वीडियो में कई बार कमेंट करते लोग कि भैया बहुत महंगी बहुत महंगी, आप ढूंढ लीजिए ना, हम तो बोलते हैं पार्टी ढूंढ ले, सस्ती गाड़ी मिल ही नहीं रही है अभी, अभी तो ये स्थिति है कि नई गाड़ी नहीं मिल रही है, तो उसके कारण अभी पुरानी गाड़ी नहीं बेच रहे, अभी बेचेगा क्यों भैया। और अभी सब गाड़ी कोई भी ये सोचे कि हमें कम में मिल जाएगी, कम में कहीं नहीं गाड़ी मिल रही, कम में तो मिल नहीं रही, सब रेट तेज है, और अब अपने यहाँ से तेज रेट इंदौर और भोपाल के, वो भी नए मॉडल की गाड़ी नहीं मिल रही, मिलेगी तो आपको बहुत पुराने, अपने यहाँ से ज्यादा रेट में इंदौर और भोपाल में गाड़ियां बिक रही है, वहाँ बहुत तेज रेट है जी, अपना जी, तो कुछ नहीं उसके सामने, अपन तो फिर भी अच्छे नॉमिनल रेट में भेज देते हैं। और अगर आपको थोड़ा बहुत महंगा भी लगता है तो ऐसा नहीं है, ये प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाता है, थोड़ा बहुत होगा, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। तो भैया यहाँ का एड्रेस बताइए ना एक बार, केसी कार बाजार छोटी लाइन फाटक सुविधा हॉस्पिटल के बाजू, जबलपुर मध्य प्रदेश, जबलपुर मध्य प्रदेश बोलना इसलिए जरूरी, आदमी जयपुर पहुंच गया था, जयपुर पहुंच गया। चलिए ठीक है, ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, इसकी फोटो चाहिए तो भैया को कॉल करके आप मंगा सकते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां जो भी गाड़ी आती है, देखो यार भैया का स्टॉक आप लोग देख लीजिए, पूरी गाड़ियां भरी हुई हैं, सबकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, तो आपको अगर चैनल पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, बाकी इनकी फोटो चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, मुझे ज्वाइन हो सकते हैं, बाकी मुझसे कोई बात करना डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा इंस्टाग्राम मिल जाएगा, मुझे फॉलो कर लेना। बाकी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।